बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं कि पॉइंटर्स क्या होते हैं और हमने देखा कि किस तरह से पॉइंटर्स को डिक्लेयर किया जाता है। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉइड पॉइंटर्स की, तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। अब वॉइड पॉइंटर्स क्या है, इसको समझने के लिए हमें एक प्रॉब्लम को पहले फेस करना होगा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, डेव सी प्लस प्लस में मैंने एक प्रोग्राम छोटा सा टाइप और सेव कर रखा है, और इस प्रोग्राम में एक्चुअली मैंने एक इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है लाइन नंबर 6 पे, जिसका नाम ए है, जिसमें 10 की वैल्यू स्टोर की है, और साथ ही मैंने फ्लोट और 4 डाटा टाइप के भी 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, जिनमें मैंने कुछ वैल्यूज इनिशियली स्टोर कर दी हैं। लाइन नंबर 9 पे मैंने इंटीजर डाटा टाइप के साथ एक पॉइंटर क्रिएट किया है, और लाइन नंबर 10 पे मैं इस पॉइंटर में अपने वेरिएबल ए का एड्रेस स्टोर कर रहा हूँ, और लाइन नंबर 11 पे अगर हम देखें तो सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से हम एड्रेस को स्क्रीन पर प्रिंट करवा रहे हैं जो कि हमारे पॉइंटर में स्टोर है। तो इस वक्त तक इस प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखेंगे कि स्क्रीन पर हमारे पास एक एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, द एड्रेस स्टोर्ड इन पॉइंटर इज दिस वन। ओके, अब प्रॉब्लम कब बनती है? प्रॉब्लम तब बनेगी जब मैं वेरिएबल बी या वेरिएबल सी का एड्रेस स्टोर करना चाहूँगा अपने इस पॉइंटर में। तो मैं अगर लाइन नंबर 10 पे आके चेंज कर दूँ और पॉइंटर को मैं पॉइंट कर दूँ वेरिएबल ए की जगह वेरिएबल बी की तरफ, तो अब एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और वो प्रॉब्लम क्या है अभी आपको समझ आ जाएगी। अगर मैं इसे कंपाइल करूँ तो देखिए हमारे पास एक एरर प्रोड्यूस हो रहा है, और एरर एक्चुअली हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर डाटा टाइप्स चेंज हो रही हैं। जो हमारा पॉइंटर है उसकी एक पर्टिकुलर डाटा टाइप है, हमने इस पॉइंटर को जब डिक्लेयर किया था तो हमने इंटीजर डाटा टाइप के साथ इसे डिक्लेयर किया था। अब इस पॉइंटर के अंदर किसी ऐसे वेरिएबल का एड्रेस ही स्टोर किया जा सकता है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक फ्लोट वेरिएबल का हमें एड्रेस स्टोर करना है तो हमें फ्लोट टाइप का पॉइंटर चाहिए होगा। तो क्या कोई ऐसा पॉइंटर नहीं हो सकता जिसमें किसी भी किस्म के किसी भी डाटा टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर हो सके? जी हाँ, ऐसे पॉइंटर को हम कहते हैं वॉइड पॉइंटर। दिस पॉइंटर में हम वाइड डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए हम एक प्रोग्राम देखते हैं जो कि मैंने पहले से क्रिएट और सेव कर रखा है। यहाँ पर देखिए, हमने लाइन नंबर 6 पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया n, और उसमें इनिशियली एक वैल्यू स्टोर कर दी, और एक फ्लोट टाइप वेरिएबल है जिसमें मैंने एक वैल्यू स्टोर की 25.25 की, और इसी तरह एक कैरेक्टर डाटा टाइप का वेरिएबल है जिसमें मैंने डॉलर साइन एस कैरेक्टर स्टोर किया हुआ है। अब लाइन नंबर 9 पे देखिए, जब मैंने पॉइंटर डिक्लेयर किया तो void कीवर्ड के साथ मैंने इसे डिक्लेयर किया। अब void का मतलब ये हो गया कि ये पॉइंटर किसी भी वेरिएबल का, चाहे वो किसी भी डाटा टाइप का हो, एड्रेस स्टोर कर सकता है। तो लाइन नंबर 10 पे देखिए, हमने पहले अपने पॉइंटर में एड्रेस स्टोर किया वेरिएबल n का। यहाँ पे हमने रेफरेंस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, एम्परसेंड साइन का इस्तेमाल किया है। तो n जो है वो एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है, और उसका एड्रेस हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया। और फिर देखिए, हमने दो सी आउट ऑब्जेक्ट्स की मदद से दो स्टेटमेंट स्क्रीन पर प्रिंट करवाई। पहली स्टेटमेंट जो है वो वैल्यू को प्रिंट करवा देगी वेरिएबल n की, और दूसरी स्टेटमेंट जो है उसके एड्रेस को प्रिंट करवा देगी। लाइन नंबर 13 में हमने अपने पॉइंटर में वेरिएबल f का एड्रेस स्टोर कर लिया। यहाँ पे आप देखिए कि f जो है एक फ्लोट डाटा टाइप का वेरिएबल है। चूंकि हमारे पॉइंटर की पर्टिकुलर कोई डाटा टाइप नहीं है बल्कि हमने वॉइड कीवर्ड के साथ इसे डिक्लेयर किया, इसलिए इसमें अब एक फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस भी स्टोर किया जा सकता है। तो यही दो स्टेटमेंट्स हमने रिपीट कर दी जो ऊपर लाइन नंबर 11 और 12 पे हमने यूज़ किए हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे हम वेरिएबल एफ में मौजूद वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, और जब पॉइंटर को हम प्रिंट करवा रहे हैं तो चूंकि पहले ही हम पॉइंटर में वेरिएबल एफ का एड्रेस स्टोर कर चुके हैं, तो अब एफ वेरिएबल के लिए जो मेमोरी लोकेशन रिजर्व की गई है वो एड्रेस आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। बिल्कुल इसी प्रोसेस को हमने रिपीट किया लाइन नंबर 16 में, जहां पे हमने अपने पॉइंटर में वेरिएबल सी का एड्रेस स्टोर कर लिया रेफरेंस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए, और फिर सी की वैल्यू को हमने प्रिंट करवा दिया, और फिर हमने पॉइंटर को भी प्रिंट करवा दिया। आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे पास अब जो वैल्यूज आ रही हैं, द वैल्यू ऑफ n, ये अब हमारा इंटीजर वेरिएबल था जिसमें 10 की वैल्यू स्टोर है, ये उसका एड्रेस है। वैल्यू ऑफ f, ये हमारा फ्लोट डाटा टाइप का वेरिएबल था जिसमें 25.25 स्टोर था, ये उसका एड्रेस है। और ये है हमारे वेरिएबल c में मौजूद कैरेक्टर डॉलर साइन, और ये एड्रेस है हमारे वेरिएबल c का। तो आपने देखा कि void के साथ जब हम किसी पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं तो उसमें हम किसी भी डाटा टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं।